नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आपको हमने सुबह सवेरे ही बताया था कि किस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है और इस राजनीति के मायने क्या हैं। हमने आपको बताया था कि आज चुनाव में नॉमिनेशन का जो दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन में हमने आपको बताया था कि जो फैक्टर है वो चुनाव भले ही राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रही हो, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर तीन लोग हैं, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। इनको किसका समर्थन मिलेगा इस पर हमने आपको विस्तृत जानकारी दी थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, उसके ठीक पहले विकासशील इंसान पार्टी ने जो बातें कही है उन बातों ने दोनों ही दल के उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं परेशान जरूर किया है। आपको बता दें कि बिहार की दो सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव गोपालगंज और मोकामा में हो रहे हैं। उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला पहले ही ये तीनों दल कर चुके थे, जिसमें मुकेश सहनी ने भी ये घोषणा किया था कि वो अपनी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो हैं देवज्योति, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो पार्टी ने फैसला लिया है उसमें उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में, जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था, कि आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने, देवज्योति ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि देश भर में आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, जिसे लेकर हमारी लड़ाई जारी है। आपको पता है कि मुकेश सहनी लगातार अपने समाज के आरक्षण की बात करते रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन भी छेड़े हैं। आपको बता दें कि देवज्योति ने कहा है कि वीआईपी की प्राथमिकता सत्ता नहीं, संघर्ष की राजनीति है और उस संघर्ष से वो एक डेग भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अभी आरक्षण छीनने की जो साजिश की जा रही है उसकी लड़ाई लड़ना आवश्यक है, इसके लिए हमने कार्यक्रम भी तय कर लिए हैं। इसी कारण पार्टी चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है और इसका फैसला भी हमारे सुप्रीमो ने कर दिया। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में वीआईपी उस उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला लिया है जो भाजपा को हरा सके। ये बहुत बड़ी बात है कि जो भाजपा को हरा सके ऐसे उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। स्पष्ट नहीं किया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल को या महागठबंधन के उम्मीदवार को किया जाएगा, लेकिन जो उम्मीदवार हरा सके उसकी बात वो कर रहे हैं। इन सारी बातों के बीच एक बात तय मान के चलिए कि बोचहा चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी और वीआईपी ने अंतर पैदा कर दिया था, इस चुनाव में भी हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अंतर पैदा किया जा सकता है। जो भाजपा प्रत्याशी को हरा सके उसे साथ देने की बात वीआईपी की तरफ से किया जाए। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि भाजपा की इस उपचुनाव में हार तय है। जिस तरह से बोचहा में हार हुई थी उसी तरह से इन दोनों सीटों पर भी हार निश्चित है। देवज्योति ने कहा कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वीआईपी के कार्यकर्ता से अपील करते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चुनाव में सभी प्रत्याशियों पर नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श के उपरांत विधानसभा में समर्थित प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ वीआईपी पूरी तरह से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है, वहीं ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महागठबंधन का समर्थन करेगी। बल्कि वीआईपी के जो प्रवक्ता हैं देवज्योति, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूत होगा उसे समर्थन करेंगे। अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय क्या होता है। आज नॉमिनेशन के अंतिम दिन वीआईपी की तरफ से ये घोषणा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जीवनदायिनी शक्ति हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ जहर का भी काम कर सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386